वेलकम टेन एकेडमी। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आप आर एस वीडियो पीएसआई पटवारी रीट टीचर्स और एलडीसी और राजस्थान सरकार की सभी छोटी बड़ी वैकेंसियों की प्रिपरेशन फ्री में कर सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, मैथ और इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस आने वाले समय में लगाई जा रही है, जिसमें से राजस्थान ज्योग्राफी क्लास लगी हुई है जो आपको वीकली वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है। रिवीजन के पर्पज से भी आप उसे देख सकते हैं और की पॉइंट के पर्पज से भी आप उसे देख सकते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास को, जिसमें हम टू द पॉइंट सिलेबस को कवर करवा रहे हैं। आउट ऑफ द सिलेबस की कोई भी चीज को डिस्कस नहीं किया जा रहा है, जिसमें से सिर्फ उतनी ही चीजें डिस्कस की जा रही है जो सिलेबस में लिखी हुई है और जिनसे क्वेश्चन जनरेट किए जा चुके हैं आज से पहले वाले एग्जाम्स में, जिसमें हम आर एस प्री प्लस मेन्स की चला रहे हैं, जिसमें ईओ और आर ओ के भी एग्जाम की प्रिपरेशन इजिली कर सकते हो। आज की करंट अफेयर में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को डिस्कस करेंगे, भारत की रैंक क्या रही है इसमें और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल से पीछे क्यों है और इनकी क्या रैंक है, पाकिस्तान की क्या रैंक है, बांग्लादेश की क्या रैंक है और नेपाल की क्या रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जिसे हम शॉर्ट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHIB बोलते हैं, जो कि 2022 का रिलीज हो चुका है अक्टूबर मंथ में। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसका इंडेक्स रहा है। सो अगर आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एन अकेडमी फॉर आर एस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आप हमारे स्टडी मटेरियल्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एन अकेडमी आर ए एस, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या कहता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यह इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइव द्वारा प्रकाशित किया गया है। सबसे पहली बात कि इस हंगर इंडेक्स को निकालता कौन है, पब्लिश कौन करता है, तो इसको जो पब्लिशर है वो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। इस इंस्टीट्यूट या इस पब्लिकेशन द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है, जिसमें भुखमरी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अगर हिंदी में बात करें तो भुखमरी का यह इंडेक्स है, सूचकांक है, जिसमें पूरी दुनिया के देशों को शामिल किया जाता है और इसका सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के बाद फाइनल किया जाता है चार पॉइंटों के आधार पर। वो चार पॉइंट क्या होंगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि भारत का रैंक पीछे क्यों आया और भारत के मंत्री ने क्या कहा इसके बारे में। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, हिंदी में भी यही है नाम, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में, यह जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है टोटल 121 देशों की काउंटिंग की है इसने, टोटल 121 देशों को इसने इस हंगर इंडेक्स में लिया है, जिसमें भारत की रैंक क्या है 107 है, कितने में से 121 में से, भारत की रैंक क्या है 107 है 121 देशों में से। इंडिया रैंक 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, भारत ने 107वां रैंक लिया है 121 देशों में से। अब 2021 में ये तो रहा 2022 का रैंक, अब 2021 में भारत की रैंक थी 101, भारत की रैंक आई थी 101, टोटल कितने देश थे उसमें भी 121 देश थे जिसमें से भारत की रैंक थी 101, 121 देशों में भारत की रैंक क्या थी 101 थी, जो कि इस बार 6 रैंक फिसल करके नीचे जा चुकी है और कितनी बन गई है, टोटल रैंक आई है भारत की 107, जो कि पिछली बार से काफी खराब रैंक रहा है इस बार का। भारत को भूख के स्तर में भी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भारत को जो इस श्रेणी में चार पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें चेक किया गया है कि भारत में भुखमरी किस लेवल पर है, तो भारत में भुखमरी के स्तर पर भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है, गंभीर श्रेणी में रखा गया है, बिकॉज इसमें भारत का जो स्कोर रहा था वो था 29.1, जो कि 100 में से था, 100 में से 29.1 भारत का स्कोर था, किसमें भूख कितने लोगों का पेट भर पा रहा है, तो भारत 100 लोगों में 29 लोगों का पेट भर पा रहा है, बाकी के लोग भूखे ही सो रहे हैं। इंडिया इज प्लेस्ड इन द सेवर कैटेगरी ऑफ हंगर लेवल विथ ए स्कोर ऑफ 29.1, मतलब 100 लोगों में चेक किया गया कि भारत कितने लोगों को खाना खिला करके सुलाता है डेली, तो भारत 29 लोगों को खाना खिला करके सुलाता है 100 लोगों में से, तो भारत में यह स्कोर में भी भारत को बहुत ही गंभीर श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ 100 में से 29 लोग ही खाना खा करके सो रहे हैं, बाकी लोग भूखे ही सो रहे हैं। अब भारत ने अपनी जो रैंक है, भारत नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश से भी इस इंडेक्स में पीछे है। अब आप देख लो, पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा देश जिसकी भी रैंक इंडिया से भी अच्छी है, नेपाल इतना छोटा सा देश है कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं है फिर भी भारत से पीछे है, श्रीलंका इतना छोटा सा देश है जिसमें इतने बड़े बड़े क्राइसिस हुए थोड़े दिन पहले लास्ट ईयर और अभी तक चल रहे हैं, सरकार गिर गई थी, फिर उसके बावजूद भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत
नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी आगे निकल गया। बांग्लादेश भी एक छोटा सा देश है भारत के आगे, और उसकी जीडीपी क्या है, भारत की जीडीपी के आगे, चारों देशों की जीडीपी मिला ले उसके बाद भी भारत के दो राज्यों की जीडीपी बनती है। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस इंडेक्स में भारत ने नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के भी नीचे जा चुका है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारे यहाँ राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी, जो राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी जिसमें राजीव गांधी जी ने कहा था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी देशवासी के लिए एक रुपए को पब्लिश करता है, एक रुपए का योगदान देता है, अनुदान देता है, तो जिस आम आदमी के लिए अनुदान दिया जाता है उसके पास सिर्फ 50 पैसे जाकर के पहुंचते हैं एक रुपए की जगह। तो सबसे बड़ा रीजन यह है कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा है, और लोगों के लिए जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, डीलरशिप की जो दुकानें हैं जहां से लोगों को राशन पहुंचाया जाता है, उस राशन की दुकान पर बहुत सारी जगह इतनी बड़ी धांधली की जाती है जिसमें लोगों को, जहां लोग जागरूक नहीं है वहां पर धांधली की जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें भी सुधार किया गया है, जिसमें क्या होने लगा है कि अब थंबप्रिंट के द्वारा उचित मूल्य की दुकान से राशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें लोग इतना करप्शन नहीं कर पाते। बहुत से लोग बहुत ईमानदार तरीके से करते हैं, आगे से कॉल करके बुलाते हैं और उनको बताते हैं किस तरह से आपको राशन लेना है, कहां से मिलेगा, जब राशन खत्म हो जाता है तो दूसरे डीलर से पार्टनरशिप करके या कोलैबोरेट करके उसको राशन प्रोवाइड किया जाता है उपभोक्ता को। तो सबसे बड़ा रीजन यह है कि भारत में करप्शन है, करप्शन की वजह से यहाँ पर जो हंगर इंडेक्स है और कोई भी इंडेक्स है जिसमें भारत डे बाय डे नीचे गिरता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है, जब किसी देश में लगातार एक सरकार चलती रहती है तो वहाँ करप्शन लेवल इंक्रीज होता जाता है डे बाय डे, उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह है कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की जनसंख्या बहुत छोटी सी है और भारत की जनसंख्या आज 141 करोड़ पे आ पहुंची है। 141 करोड़ लोगों की जनसंख्या भारत में रहती है, जिसमें भारत सरकार का पर व्यक्ति आय कुछ 20,000 रुपए के आसपास भी नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी को खाना प्रोवाइड करवाना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो गया है। 2020 और 2021 में इसकी रैंक अच्छी थी, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि कोरोना की वजह से एनजीओस बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे और लोग रास्तों में कैंप लगा करके, रास्तों में स्टॉल लगा करके लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे थे। जब इस इंडेक्स ने, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ जो इसका सर्वे करती है, उस सर्वे में उसने उस वक्त देखा कि यहां पर कोरोना की वजह से लोग स्टॉल्स लगा करके खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि यहाँ पर करप्शन की वजह से हर एक चीज बहुत ज्यादा महंगी है। यहाँ पर एक टैक्स जीएसटी लगने के बाद से कुछ चीजें थोड़ी सी अंडर द रेट आई हैं, लेकिन कुछ चीजों की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और भारत सरकार ने हर रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स लगा रखा है। उसकी वजह का भी एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग राशन प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर नहीं लेने की वजह से सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो मैं समझता हूँ कि वेस्टेज ऑफ फूड भारत का सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर फूड को वेस्ट कर दिया जाता है और जैसे किसी को दो चपाती खानी है तो तीन लेके बैठेगा और एक को वेस्ट कर देगा, झूठी चपाती डस्टबिन में जाती है, डस्टबिन से डक्टिंग यार्ड में जाती है और वहां फेंक दी जाती है उसको, जो कि किसी के काम नहीं आती, जंगली जानवरों के भी काम नहीं आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नेपाल की जो रैंक थी वो थी 81, पाकिस्तान की जो रैंक थी इसमें 99, श्रीलंका की जो रैंक थी वो थी 64 और बांग्लादेश की रैंक थी 84 और इंडिया की रैंक थी 107 और 2022 में 107 थी, लेकिन 2021 में इसकी रैंक थी इंडिया की 101। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि कोरोना के बाद एनजीओज ने खाना खिला रहे थे लोगों को, सड़कों पे रोक रोक करके खाना प्रोवाइड करवा रहे थे, बिस्किट्स प्रोवाइड करवा रहे थे, मतलब हर आदमी खाना तो खा ही पा रहा था, मतलब रात को भूखा नहीं सो रहा था। सबसे बड़ा रीजन ये भी था और कोरोना के बाद एनजीओज का भी जो पैसा था वो खत्म होने लगा तो उन्होंने भी थोड़ा हिस्सा लेना कम किया और आने वाले समय में और भी भारत के रैंक सुधरने के चांसेस हैं। इस इंडेक्स के अनुसार भारत एशिया में दूसरे स्थान पर है। अब इस इंडेक्स में एशिया में भारत का रैंक आया है सेकंड, नीचे से सेकंड है, ऊपर से सेकंड नहीं है, भारत का रैंक है नीचे से सेकंड और नीचे से फर्स्ट कौन सा देश है, नीचे से फर्स्ट देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंक है 109 और इंडिया की रैंक है 107 और दोनों के जो कैलकुलेशन की, दोनों के जो मार्क्स मिले उसमें सिर्फ वन मार्क्स का डिफरेंस है, उसकी वजह से इन दोनों की रैंक में 2 रैंक का डिफरेंस है। तो भारत 107वीं रैंक पर है और अफगानिस्तान 109वीं रैंक पर है 121 देशों में। और सबसे लास्ट जो रैंक मिली है वो मिली है यमन को, यमन जो है उसको 121वीं रैंक मिली है, 121 में से 121 पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं और ये सबसे लास्ट में यमन जो देश है वो हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे लास्ट में जाके खड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर लोगों को प्रॉपरली खाना नहीं मिल पा रहा है। अफगानिस्तान में सबसे बड़ी ताइवान की समस्या है, अफगानिस्तान में सबसे बड़ी समस्या है अंडरवर्ल्ड की, टेररिज्म की वजह से वहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी होती है, इसकी वजह से वहाँ खाना प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा, लोग खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे, लोग प्रॉपरली अपनी शॉप्स को ओपन नहीं कर पा रहे बिकॉज कभी भी टेररिस्ट और जो भी आतंकवादी हैं वो आकर के परेशान करने लगते हैं, जो भी चल रहा है उनके देश में आप सभी को मालूम है। यमन जो है सबसे लास्ट कंट्री बना है, इंडिया की 107वीं रैंक है, जो आपको इस टॉपिक से जो क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं आरएस एग्जाम में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में या आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स है तो उसमें से क्वेश्चन जनरेट होगा कि
नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका की इनकी रैंक पूछी जा सकती है, इंडिया की रैंक पूछी जा सकती है जो कि है 107। इसमें पूछा जा सकता है कि भारत की 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक क्या थी, तो आपको याद होना चाहिए 101वीं रैंक थी। इसमें पूछा जा सकता है कि 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे लास्ट कंट्री कौन सी रही, तो वो थी यमन। और इसमें पूछा जा सकता है कि भारत किस देश से आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो आपको मालूम होना चाहिए भारत एशिया में अफगानिस्तान से आगे है, बाकी भारत एशिया में सबसे पीछे है। एशिया में भारत ने नीचे से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सेकंड रैंक प्राप्त की है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स को चार आंकड़ों पर आधारित किया जाता है, चार इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशमेंट, फिर है चाइल्ड स्टंटिंग, फिर है चाइल्ड वेस्टिंग, फिर है बाल मृत्यु दर। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और अल्प पोषण और बाल मृत्यु दर, ये चार पॉइंट है। इन चार पॉइंटों के बेसिस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें से अल्प पोषण में भारत को स्कोर मिला 29.1, मतलब प्रॉपरली खाना नहीं मिल पा रहा, अंडर न्यूट्रिशन है सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से अल्प पोषण में भारत को 29.1 मार्क्स के साथ भारत को गंभीर स्थिति में रखा गया है, सेवियर कंडीशन में रखा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना 100 अंकों के पैमाने पर की जाती है, इन चारों को डिवाइड किया 25 के आंकड़ों पर इसको डिवाइड किया, इन चारों का जो कैलकुलेशन रखा टोटल में इन चारों को कैलकुलेशन था 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 25 करके टोटल स्कोर रखा गया 100 में से स्कोर दिया जाता है, जिसमें से पर्टिकुलर को 100 में से किया जाता है और टोटल में इसका 25% लिया जाता है, मतलब अल्प पोषण का 25%, चाइल्ड स्टंटिंग का 25%, चाइल्ड वेस्टिंग का 25% और बाल मृत्यु दर का 25%। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए जिसकी बात उसकी चर्चा हम आगे वाले स्लाइड में करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना 100 अंकों के पैमाने पर की जाती है, जो कि भूख की गंभीरता को दर्शाता है, जो 100 अंकों का पैमाना है जो भूख की गंभीरता को दर्शाता है, जिसमें बताया गया 0 सबसे अच्छा स्कोर है, जहां पर भूख की स्थिरता 0 है वो तो है सबसे अच्छा स्कोर, और 100 सबसे खराब स्कोर है। 100 का मतलब है कि 100 के 100 लोग भूखे हैं, जिसमें भारत का स्कोर क्या रहा है 29.1 out of 100। तो भारत में सिर्फ 29 लोगों को खाना मिल पाता है रोज प्रॉपरली, 29 लोग रात को खाना खा करके सो पाते हैं। 0 सबसे खराब स्कोर है और 100 सबसे, 0 सबसे बेस्ट स्कोर है और 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है जीएचआई में, लेकिन भारत का स्कोर क्या रहा 29.1। अब बात करेंगे उन चार इंडिकेटर्स की जिनके बेसिस पर जीएचआई का स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशमेंट, जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है, मतलब कैलोरी जो डेली की जो कैलोरीज हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने कैलकुलेट कर रखी है, कुछ 2000 के आसपास कैलोरीज कैलकुलेट कर रखी होंगी, जिसमें 2000 कैलोरीज को, जिसमें बच्चे और बड़ों की एवरेज कैलोरी ली गई है, अगर 2000 कैलोरीज हर एक आदमी को नहीं मिल रही है डेली, तो उसका मतलब है कि वो अल्प पोषण है, अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसमें टोटल हंड्रेड में इसका स्कोर, इसका परसेंटेज है वन थर्ड हिस्सा किसका रखा गया है अंडर न्यूट्रिशमेंट का। फिर रखा गया है 1/6 पार्ट किसका रखा गया है चाइल्ड स्टंटिंग का। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे का वह हिस्सा जिनका कद उनकी आयु के अनुरूप कम है, मतलब बच्चा है 15 साल का और उसकी हाइट है 3 फीट, तो एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट क्या है बहुत कम है, जो कि एक गंभीर अल्प पोषण माना जाता है, उसको हमारे राजस्थानी में बावना बोलते हैं, मतलब जिसकी हाइट शॉर्ट रह जाती है, मतलब एक वयस्क एवरेज हाइट भारत में 5.6 एवरेज हाइट है भारत की, किसकी है 18 से 21 ईयर के ह्यूमन बींग की एवरेज हाइट है 5.6। अगर 15 ईयर्स का चाइल्ड है, बच्चा है, उसकी हाइट अगर 3 फीट है तो वो क्या है अंडर स्टंटिंग है, मतलब उसको किस कैटेगरी में रखा गया अंडर स्टंटिंग में, जिसमें इसमें एज क्या रखी गई है 5 वर्ष, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे का वह हिस्सा जिनका कद उनकी आयु के अनुरूप कम है, मतलब 5 साल के बच्चे का जो एवरेज हाइट होती है उस एवरेज हाइट से अगर उसकी हाइट कम है, या उसका एक पैर छोटा है, या उसके हाथ में कोई दिक्कत है, या उसका सिर बड़ा हो जाता है, या उसके शरीर का कोई ऐसा पार्ट जो उसकी हाइट या उसके एज के अनुसार बड़ा है या छोटा है, या उसकी हाइट 5 साल के बच्चे की जो एवरेज हाइट है उससे कम है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया, उसको कैटेगरी रखी गई है चाइल्ड स्टंटिंग, जो कि एक क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन को दर्शाता है, मतलब कि अल्प पोषण की गंभीरता को दर्शाता है कि अल्प पोषण का कितना बड़ा शिकार हो चुका है 5 साल का बच्चा, जिसकी आयु के अनुसार हाइट नहीं बढ़ी, आयु के अनुसार वेट नहीं है, तो सबसे बड़ी समस्या ये रखी गई। अब बात करते हैं चाइल्ड वेस्टिंग की, जिसकी वेट की अपन बात कर रहे थे। पहली कैटेगरी है अंडर न्यूट्रिशमेंट, जिसमें बताता है कि ह्यूमन बींग ने प्रॉपरली, भारत के नागरिक ने प्रॉपर जितनी कैलोरीज जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी कैलोरीज जो हर इंसान को भारत में मिलनी चाहिए, पहली तो ये रखी गई, जिसका टोटल स्कोर में 1/3 हिस्सा रहता है।
दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, जिसमें 5 वर्ष के आयु के बच्चे को या उससे कम एज के बच्चे को रखा गया जिसकी हाइट 5 वर्ष के अनुसार नहीं बढ़ी है उसको इस कैटेगरी में रखा गया। अगर कोई बच्चा है जिसकी 5 वर्ष की एज है और उसकी हाइट 5 वर्ष के बच्चे के अनुसार नहीं बढ़ी है तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, गंभीर अल्प पोषण मतलब क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें इसका टोटल 100 मार्क्स में इसका स्कोर रहता है, 1/6 पार्ट इसका रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड वेस्टिंग की, चाइल्ड वेस्टिंग में क्या रखा गया, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन उनके कद के अनुसार कम है, शरीर का वह हिस्सा, बच्चों का वह हिस्सा दोनों में कद में, जैसे हाइट है आपकी 5 वर्ष के, आप हो आपकी हाइट बराबर है, जिसमें 5 वर्ष के बच्चे की हाइट होनी चाहिए 2 फीट आपकी हाइट है, लेकिन आपका एक पैर छोटा रह गया या आपका एक हाथ छोटा रह गया या आपका एक कान में दिक्कत है या आपकी एक नोज बंद रहती है तो उसको क्या किस कैटेगरी में रखा गया, चाइल्ड स्टंटिंग की कैटेगरी में रखा गया। फिर नेक्स्ट जो रखा गया चाइल्ड वेस्टिंग में क्या रखा गया कि 5 वर्ष से कम की एज के बच्चे जिनके बॉडी का कोई पार्ट जिसका वेट 5 वर्ष के बच्चे के अनुसार नहीं है, जैसे एक हाथ का पतला रह जाना, एक पैर का पतला रह जाना, कमर का पतला रह जाना, सिर का बड़ा हो जाना और भी कई सारी दिक्कतें होती हैं, तो उस कैटेगरी को किस में रखा गया, तीव्र अल्प पोषण मतलब एक्यूट न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा गया। और ये टोटल स्कोर में 1/6 भाग का निर्णय करता है, मतलब 1/6 पार्ट को कैलकुलेट करने में कौन सा हिस्सा काम आता है, चाइल्ड वेस्टिंग का। फिर आता है बाल मृत्यु दर, चौथी जो कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और फोर्थ जो कैटेगरी है वो है बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। 5 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु का शिकार हो जाने वाले बच्चों का हिस्सा जो अपर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य व्यवस्था वातावरण के घातक मिश्रण को प्रकट करता है, मतलब बता ये रहा है कि 5 वर्ष के बच्चे की उम्र से पहले, कोई बच्चा है जो 5 वर्ष का होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसकी माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी। चाइल्ड वेस्टिंग में भी ये बता रहा है 5 वर्ष का बच्चा जिसका बॉडी पार्ट या उसकी बॉडी का वेट 5 वर्ष के बच्चे के अनुसार नहीं है, चाइल्ड स्टंटिंग में भी ये बता रहा है 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम का बच्चा जिसकी हाइट 5 वर्ष के अनुसार नहीं है, अंडर न्यूट्रिशन में बता रहा है कि कैलोरी से कम का सेवन होना ही क्या है, अल्प पोषण है, और बाल मृत्यु दर का मतलब बता ही दिया कि 5 वर्ष से कम एज में ही बच्चे का न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से मौत हो जाना, और 5 वर्ष तक के बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है उसका न्यूट्रिशन। अगर उसकी माँ को और उस बच्चे को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो ड्यूरिंग द फीडिंग, मिल्क फीडिंग, बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, और जब बच्चा बड़ा होने लगता है 6 महीने के बाद जब माँ का दूध पीना बंद करता है, जब बच्चे को न्यूट्रिशन मिलने का समय आता है तो उस वक्त भी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा होता है, और ये टोटल स्कोर में 1/3 पार्ट का निर्णय करता है, मतलब 1/3 पार्ट को कैरी करता है। अब ये है, ये जो स्क्रीनशॉट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है, जिसमें चारों जो कैटेगरीज है अंडर न्यूट्रिशमेंट, अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन चारों को डिटेल में समझा रहा है जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया। फिर है हाउ द GHI इज कैलकुलेट, कैलकुलेट इन चार आंकड़ों पर की जाती है जो भी मैंने आपको बता दिया। ये थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे भारत ने इसको क्यों नकारा। अब भारत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 107वीं रैंक आई है उसको मना करते हुए ये कहा है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रैंकिंग को खारिज करते हुए कहा कि यह देश की छवि खराब करने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। यह भारत सरकार के मंत्री ने कहा, भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी छवि को खराब करने के लिए कोशिश की जा रही है कि हमें जानबूझ करके इस रैंक पे रखा गया। मेरा ऐसा मानना है कि GHI में हो सकता है जानबूझ करके कर दिया गया, लेकिन फिर भी आप कितनी रैंक सुधार लोगे, आप अंडर 100 तो आने वाले होने हो, पाकिस्तान अंडर 100 है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत सरकार में जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो कुपोषण के प्रति लड़ाई है वो चलाई जा रही है, एज वेल एज जो आंगनबाड़ी सेंटर्स पे, जो स्कूल्स में मिड डे मील्स प्रोवाइड की जाती है, जो उचित मूल्य की दुकानें जिन्हें हम डीलरशिप शॉप्स बोलते हैं वहां से भी फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन आज भारत की जनसंख्या 141 करोड़ हो चुकी है और भारत का मैक्सिमम वर्ग नौकरी पेशा वर्ग है जो सिर्फ अपना लालन पालन कर सकता है, डोनेशन नहीं कर पाता। यहाँ पर व्यक्ति आय सबसे कम है भारत की, इसकी वजह से जो हंगर इंडेक्स है भारत का डे बाय डे उसकी रैंक खराब होती जा रही है, और भारत को ऐसी टिप्पणियां करने से इंडेक्स नहीं सुधरने वाला। सबसे बड़ा काम जो होगा भारत सरकार को करने के लिए वो यह होगा कि एनजीओस को प्रॉपरली वर्किंग में लाया जाए, एनजीओस को आजादी दी जाए उनके काम करने के लिए, एज वेल एज भारत सरकार जो टैक्सेस ले रही है, जो ब्लैक मनी है, उसका सही जगह यूज किया जाए तो भारत सरकार में जो हंगर इंडेक्स है वो डे बाय डे इंक्रीज हो सकता है। भारत की आज हालत यही है, आप कहीं भी जाओगे, किसी फाटक पे, किसी पुलिया पे, किसी स्टेशन पे आपको ये हालात देखने को मिल जाएंगे, भीख मांगने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। कुछ भीख मांगने वाले अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छी अर्निंग कर लेते हैं डेली के 1000 रुपए की 2000 रुपए की, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लोग बाग खाना दे देते हैं लेकिन वो खाना नहीं खाते, उनकी आंखें फोड़ देते हैं, पैर काट देते हैं और उनसे भीख मंगवाई जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि बच्चे
किडनैप कर लिए जाते हैं, उसके बाद मार्केट में उनको भीख मंगवाई जाती है, अलग शहरों में अलग जगह पे ले जाकर के उनके बॉडी पार्ट्स को बेच दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को जो भारत कंट्रोल कर लेगा, उसके बाद जब भारत को एनजीओज हैं उन एनजीओज के साथ काम करना होगा और ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। जैसे कोरोना टाइम पीरियड में भारत सरकार और एनजीओज प्रॉपरली वर्किंग कर रहे थे खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने के लिए, कुछ उस वे में ही मुहिम को चलानी पड़ेगी, तभी जाकर के 107वीं रैंक से हम हो सकता है टॉप 50 में आ जाए कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में। तो ये थी आज की करंट अफेयर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे, तब तक हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स बनाते रहें करंट अफेयर्स के, राजस्थान ज्योग्राफी के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।